नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द हॉकर के ज्योतिष सेगमेंट का विशेष आयोजन ज्योतिष पथ, और मैं आपके साथ हूं भास्कर राव। बात करेंगे 6 अगस्त दिन शनिवार के राशिफल की। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष की। मेष राशि के जातकों, भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए आज आप अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। आज की सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएं जो मौलिक सोच रखते हों और बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृष की। वृष राशि के जातकों, आपका तेज काम आपको प्रेरित करेगा। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ साथ अपने विचारों में भी बदलाव लाएं। इसके अलावा आपका दृष्टिकोण इससे व्यापक होगा और समझ का दायरा भी बढ़ेगा। बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि के जातकों, आउटडोर खेल आपको आज आकर्षित करेंगे। ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएंगे। पैसे की कमी आज आपके घर में कलह का वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें, उनसे सलाह लें। बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के जातकों, सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसीलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा फैसले तुरंत लें और उनके परिणामों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह की। सिंह राशि के जातकों, आपको काफ़ी समय से चल रही बीमारी से आज छुटकारा मिल सकता है। आज आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोचे विचारे खर्च करना कितना नुकसानदायक है, तो संभल के रहें, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, धन का देखभाल करके खर्च करें। बात करते हैं राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या की। कन्या राशि के जातकों, किसी दोस्त की ज्योतिषी सलाह आपके सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी, इसीलिए मित्रों की सुने और उनके हिसाब से थोड़ा जीवन जिए। बात करते हैं अब राशि चक्र की सातवीं राशि तुला की। तो तुला राशि के जातकों, आपको अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर रक्तचाप के मरीजों को। आज के दिन आप धन से जुड़ी समस्या के कारण भी परेशान हो सकते हैं, रक्तचाप के मरीज आज थोड़े सावधान रहें। बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों, काम का दबाव और घरेलू मतभेद तनाव की वजह बन सकते हैं। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है, इसलिए घरेलू मतभेद से दूर रहें। बात करते हैं नौवीं राशि धनु की। धनु राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए खुशी भरा है, इसलिए खुशनुमा दिन बनाने की कोशिश करें। मानसिक तनाव और झंझटों से बचें। रियल इस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। बात करते हैं राशि चक्र की दसवीं राशि मकर की। शनि राशि शनिदेव की यह राशि के जातकों, व्यापक व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिना बताए आज कोई देनदार आपके खाते में पैसा डाल सकता है, जिसके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी, इसलिए दिन अच्छा जाने वाला है। ईश्वर की आराधना करें, आनंद ले। बात करते हैं ग्यारहवीं राशि कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों, आज खेल कूद में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि गहरे का जीवन का रहस्य यही है। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में आज हल्का सुधार आएगा, तो प्रसन्न रहें, जीवन का आनंद ले। बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के जातकों, जिंदगी को बेहतरीन चीज़ें को शिद्दत महसूस करने के लिए दिलो दिमाग के दरवाजे खोलें, चिंता करना छोड़ दें, यही आपके जीवन की सफलता का पहला कदम है। तो दर्शकों, यह था आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे ज्योतिष पथ पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।